मैं बिना खाने आज फिर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे काफ़ी स्वस्थ होंगे। सभी को पता है पितृ पक्ष चल रहा था और इन दिनों में सब बिजी भी थे और सभी अपने पितृपुरुषों के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। जिन लोगों को अपने पितृ की डेट नहीं मालूम है उनकी कब हुई थी, तो वो कल के दिन अमावस्या के दिन उनको उनके लिए जो कुछ भी बनाना चाहिए, जो भी कुछ भी, चाहे खीर ही बना ले, कुछ भी जरूर बनाइएगा ताकि हमारे पितृ हमारे खुश रहें और तंदुरुस्त रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। तो मैं बहुत मानती हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग भी बहुत मानते हैं। तो चलिए, मैंने तो एक वीडियो नहीं बनाई है और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज मैंने कहा था आपसे कि मैं ओट्स का एक वीडियो और बनाऊंगी, तो मैं बना रही हूँ ओट्स का पोहा। ओट्स का पोहा बना रही हूँ, ये प्लेन है, प्लेन ओट्स लिए हैं, पर इसका मैं पोहा बनाऊंगी। किस तरह से बनाऊंगी, मेथड वही है जिस तरह से पोहा बनता है, लेकिन बस ये ओट्स का है। बहुत सारे लोग ओट्स यूज़ करते हैं, हल्का सा पानी डालना है। हम पोहे को भिगोते हैं, इसको भिगोना नहीं है वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसे बस हल्के से पानी से भिगो देना है, हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना है। इसको ज़्यादा पानी नहीं भिगोना है और ना ही हमें इसे किसी स्ट्रेनर में रखना है, स्ट्रेनर में भी नहीं रखना है, हल्का बनाना है। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है 2 चम्मच के करीब, और अब इसके अंदर हम जो डालेंगे वो डालेंगे हम अपने, पीछे हो जाओ अनुभव, इसमें छिटे लेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, ऑनियन। डालने का तरीका, बनाने का तरीका वही है, फ्राइड रखना है कि ये ओट्स है। और यहाँ पे मैंने दरदरी मूंगफली ली है, 2-3 चम्मच के करीब मूंगफली की, उसको दरदरा कर लिया है। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं हल्का सा फ्राई किया हुआ। मैं सिर्फ सिंपल तरीके का बना रही हूँ, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाली है और इसमें प्याज डाल के हमने भुना है। और अब इसके अंदर जो हम डालेंगे अपने ओट्स डालेंगे, इसको हल्का सा रोस्ट होने देंगे, हल्का सा रोस्ट होने देंगे। और इसके अंदर जो डलेगा वो राई है, हल्दी है 1/2 चम्मच के लिए, नमक है 1/2 चम्मच, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, जो मेरे पास ओट्स है वो आधी कटोरी के करीब है। क्वांटिटी आप बढ़ा बढ़ा सकते हैं, उसी के हिसाब से मैंने अपने मसाले ले लिए हैं। और इन सबको हम इसके अंदर डालेंगे, बहुत ही ड्राई बनता है, टेस्ट भी वैसे ही आता है, बनाने का तरीका भी वही है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये ओट्स है, तो अब इसके अंदर हम अपने ओट्स डालेंगे। हरा धनिया मैं लाई थी, मेरा हरा धनिया गया सूख, तो कोई बात नहीं, हरा धनिया सूख गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हम अपना ओट्स का पोहा बना रहे हैं। और अब इसके अंदर जो मैं डालूँगी वो है मेरी दरदरी मूंगफली, ये दरदरी मूंगफली है। और यहाँ पे कोकोनट है, इसको ग्रेट किया गया है, कोकोनट है, कोकोनट भी आप डालिएगा ज़रूर, क्योंकि आप जानते हैं साउथ में हर चीज़ पे डलता है, तो सब जगह पे साउथ की हर डिश बनने लगी है। पहले तो बहुत कम होता था, लेकिन आजकल सब जगह बनती है। पोहा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं जिससे चटपटा बनेगा, हल्की सी शुगर, नींबू का एक नींबू है, इसका नींबू का रस। मैंने आपसे कहा तरीका वही है, गैस को कभी और इससे हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर देंगे, वही तरीका है, वही मेथड है। फर्क ये है ये ओट्स का है, फर्क ये है कि ये सिर्फ ओट्स है। कपड़ा ले लो, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा कोकोनट, थोड़ा सा हमने कोकोनट डाल दिया है, काफ़ी अच्छा बनता है। और थोड़ी सी मैंने अपनी दरदरी मूंगफली, और लोगों के घरों में भाई खाया जाता है ये बनता है, लेकिन मैंने आज ओट्स का बनाया है क्योंकि ओट्स का भी अच्छा बनता है। तो आज मैंने ओट्स का पोहा बनाया है, आपने देखा है पोहा बनाने का तरीका वही है, सिर्फ ये ओट्स है वो पोहा होता है। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और परसों से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो सभी लोग नहाते भी रहे, कल अमावस्या, तो अपने पूजों के लिए कुछ ना कुछ बनाते उनको अर्पित कीजिएगा। मिलूंगी नई नई वीडियो नई नई शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।